हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू टॉपिक सिखाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। सो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं। तो ये हो गया टॉपिक का नाम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। सो लेट्स सी the introduction. We will study the trigonometric functions of all the angles whose measures are a plus b and a minus b in terms of trigonometric functions of a and b. तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक के लिए। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलेज, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक, अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा, उसका आंसर आता है माइनस साइन थीटा। देन कॉस ऑफ माइनस थीटा गिव्स यू कॉस थीटा ओनली। थर्ड वन टैन ऑफ माइनस थीटा, उसका आंसर आता है माइनस टैन थीटा। Then fourth one cot minus theta gives you minus cot theta. Fifth sec of minus theta is equal to sec theta only. Number 6 कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सो ये हो गए फॉर्मूले रिलेटेड टू नेगेटिव एंगल थीटा। अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 7, दैट साइन पाई माइनस थीटा, कि जिसका आंसर आता है साइन थीटा ओनली। 8 1 कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देन फॉर्मूला 9 साइन पाई प्लस थीटा, तो जिसका आंसर आता है माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट नंबर 10 कॉस पाई प्लस थीटा, कि जिसका आंसर हमें मिलता है माइनस कॉस थीटा। देन फॉर्मूला नंबर 11 साइन ऑफ ए प्लस बी is equal to sin a cos b plus cos a sin b. 12th formula is sin of a minus b, इसका फॉर्मूला है sin a cos b माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट 13 है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट 14 फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देन 15.1 टैन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। 16 टैन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 17 कॉट ऑफ ए प्लस बी that is equal to first we write part which present in denominator that is cot a plus cot b और उसके बाद हम numerator में लिखेंगे cot a into cot b minus 1 and then the last formula that cot of a minus b so that is equal to denominator में हमें मिलेगा cot a minus cot b तो numerator में आएगा cot a into cot b plus 1।